तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में निःशुल्क योग शिविर का आज शुभारंभ हुआ। शिविर में गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, मंत्री श्री वल्लभ भाई, अहमदाबाद के मेयर श्री गौतम भाई शाह एवं ब्रह्म कुमारी परिवार की बहन शिवानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलित कर इस शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने पूज्य स्वामी जी को फलों की टोकरी भेंट कर स्वामी जी का सम्मान किया। इसके पश्चात शिविर में आए हजारों लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज से योग की दीक्षा ली। योग शिविर के उपरांत पूज्य स्वामी जी महाराज एवं पतंजलि योग समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। योग के कुछ खास अभ्यास, एक तो इंटरनेशनल योग डे पर योग का जो प्रोटोकॉल है उसको भी तो ठीक से करना है। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के योग का जो प्रोटोकॉल है उसमें बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि हम योग में प्रवेश पा सकें। तो वहीं से शुरू कर देते हैं, सबका अभ्यास भी हो जाएगा। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड, गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। गर्दन पीछे की ओर झुकी भी थोड़ी, फिर एक बार आगे झुका देंगे। सहजता से करना, जिनको चक्कर आते हो आंखें खोल के करना। गर्दन को आगे झुका, अब गर्दन को पीछे झुकाएंगे, आगे की ओर झुकाएं, ऐसे दो दो बार कर लें। अब दाहिने ओर गर्दन को झुकाएंगे, राइट साइड में जमणी बाजू में गर्दन निवाड़ो, मेरे से विपरीत आपकी गर्दन है, राइट साइड में गर्दन को झुकाया, फिर बीच में रुक जाएं। अब गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, फिर से एक बार दाहिनी ओर। ये सहज अभ्यास है, इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, ग्रीवा संचालन। फिर बाईं ओर, अब गर्दन को दाईं ओर घुमा करके दाहिनी ओर देखेंगे, राइट साइड में ऐसे घुमाइए, राइट साइड में कंधे के ऊपर से देखिए, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड से कंधे के ऊपर देखना ऐसे। सर्वाइकल स्पिलाटिस पेन, गर्दन में दर्द आज कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए अच्छे अभ्यास है। दाहिनी ओर फिर से, और फिर बीच में थोड़े रुकते हुए बाईं ओर, और अब गोल घुमा दीजिए गर्दन को दो बार, एक बार ऐसे क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार, और फिर दो बार ही एंटी क्लॉकवाइज। ये ग्रीवा संचालन हुआ। अब स्कंद संचालन करेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाएंगे, पैरों में करीब 4-6 इंच का फासला, जिससे कि आपका बैलेंस ठीक से बना रहे। दोनों हाथ एक साथ साइड से उठेंगे, एक दोनों हाथ कंधों के बराबर। अब ऊपर हाथ उठाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के हाथों के हथेलियों का रुख बाहर की ओर, आउटसाइड में हथेलियों का रुख, और ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर की ओर तानेंगे शरीर, पंजे ऊपर उठ जाते, और फिर नीचे हाथ आएंगे दो। बहुत सुंदर किया सभी ने, फिर से एक बार दोहराएंगे। श्वास अंदर, दोनों हाथ पहले कंधों के बराबर, फिर हाथों के थैलियों को रुख ऊपर की ओर, दोनों हाथ ऊपर उठ जाएं कानों के समानांतर, कान से लग जाएं हथेलियों को रुख बाहर की ओर, ऐसे हाथ थोड़ी देर इस स्थिति में रुके। फिर हाथ नीचे आ जाएं धीरे धीरे, दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, स्कंद संचालन हो रहा है ग्रीवा संचालन के बाद। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए,
गोल गोल घुमाइए। दूसरी तरफ से फिर ऐसे दो दो बार ही कर लीजिए। ऐसे अधिक बार भी कर सकते हैं, पांच पांच दस दस बार भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा कर पा रहे हैं। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कंधों के बराबर। जरा दाहिने हाथ को सामने से लेकर के आएंगे और बाएं कंधे पर ऐसे रख लेंगे और बाएं हाथ पीछे एकदम सीधा ऐसे देखिए। फिर दोनों हाथ कंधों के समानांतर फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी ओर से एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे सीधा ऐसे। पीछे वाले हाथ को देखिए कंधे के ऊपर से, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर एक बार दोहराएंगे। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर लाएंगे, पीछे वाला हाथ सीधा, पीछे वाले हाथ की हथेली को रुख नीचे की ओर, फिर दोनों हाथ कंधों के समानांतर, फिर दूसरी ओर से। फिर दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों हाथ साइड में और हाथ नीचे। अब दोनों पैरों में करीब 4 इंच का फासला, दोनों हाथ सामने और थोड़ा नीचे झुकेंगे और नीचे झुक करके जैसे कुर्सी होती है ना ऐसे, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। जानो संचालन, थोड़ा बैलेंस बना, फिर ऊपर आ जाइए। फिर से एक बार, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही रहेंगे और ऐसे बैलेंस बनाएंगे, फिर वापस आ जाइए। हाथ नीचे ले लेंगे। अब दोनों पैर पास में रखिए। अब खड़े होकर के करने वाले 5 आसन करें, बहुत सरल है। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाइए और सिर के ऊपर रख दीजिए, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके। अब श्वास अंदर भर के हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे, ए उठाइए, कोहनिया सीधी, पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर हाथों को सिर के ऊपर से लेते हुए और नीचे ले आइए। ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए। बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस, यही तो है स्वस्थ जीवन का आधार। तो दाहिना पैर उठाएंगे वृक्षासन के लिए, जमुना पग, राइट लेग को ऐसे उठाइए, एड़ी ऊपर की ओर पंजा नीचे की ओर। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाइए, बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा, और दोनों हाथ कान से लग जाएंगे, हाथ ऊपर, हथेलियां आमने सामने एक दूसरे से मिलेगी। बहुत सुंदर किया है सभी ने, 99% रिजल्ट है। करो 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 करो, गिरो मत। हाथ नीचे, जिनसे नहीं हो पाता है वो इतनी चीटिंग तो कर ही सकते हैं, मैंने पैर नहीं उठा तो हाथ तो उठेंगे बापू। तो चलो दूसरा पैर, बाएं पैर मोड़िए, एड़ी ऊपर की ओर पंजा नीचे की ओर, जंघा से लग गया पैर, दोनों हाथ ऊपर उठेंगे और थोड़ी देर एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के रुकेंगे। बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे।
दोनों हाथ नीचे, पैर भी नीचे, कितना आसान है ना। इससे एकाग्रता बढ़ती है। दोनों हाथों का पार्श्व भाग से ऊपर उठाएंगे, पाद हस्तासन, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे, कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लग जाए, प्रयत्न करें और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाएं। जिससे जितना बन पाए, झुक करके तो रहें, इतना तो सब कर पाते हैं, ये भी अच्छा है। कमर ज्यादा दर्द है तो अधिक मत झुकना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए आराम से, और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे लेके आइए। मेथड के साथ फॉलो करें हर एक चीज को, राइट मेथड। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, पैरों में करीब आधा फीट का फासला। पूर्ण चक्रासन तो सब नहीं कर पाते, आधा तो कर ही लेंगे। श्वास अंदर भर के थोड़ा पीछे झुक जाए। जिनको चक्कर बहुत अधिक आते हो, बीपी हाई हो, वो अधिक मत झुकना, थोड़ा ही झुकना, बस ऐसे झुकना। फिर वापस आ जाइए। जिनको चक्कर आते हो, बीपी हाई हो, वो आंख खोल के करें। चलिए दोनों पैर पास में। अब त्रिकोणासन करेंगे, दाहिना पैर ऐसे साइड में लेके जाएंगे, दाहिना पैर साइड में ऐसे सामने, ऐसे साइड की तरफ ऐसे पंजा, ये घुटने सीधे दोनों ही। अब दाहिना पैर नीचे ऐसे ले जाएंगे, नीचे ले जाते ले जाते हो पंजे के पास चला जाएगा। ऊपर वाला हाथ कान के सीध में, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, नीचे वाले हाथ की हथेली भी सामने की ओर, ऐसे देखिए ऊपर वाले हाथ को। इससे बैलेंस बनता है बहुत अच्छा। साइड में बॉडी को बेंड करने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करने से बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। फिर वापस आ जाएंगे पैर पास में। अब बाएं पैर को अधिकतम खोल लेंगे, जितना खोल सकते हैं, और पंजा ऐसे साइड में सामने वाले, ये जो पैर है ये, इसका पंजा सामने रहेगा, ये जो पैर है इसको ऐसे ले लेंगे और ऐसे सीधा टिकाएंगे ऐसे। अब ये बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर कंधे के सीध में, कान के सीध में, ऊपर देखेंगे हाथ को, हथेली का रुख ऊपर की ओर, सामने वाला हाथ दोनों हाथों की हथेली, ऊपर वाला हाथ दोनों हाथों की हथेली का रुख सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखेंगे, घुटने सीधे। फिर वापस ये पांच आसन करने से भी बॉडी का अच्छा बैलेंस आ जाता है। अब बैठ जाइए, बैठ करके दोनों पैरों को तलवों से मिलाइए और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ लीजिए। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए करवा रहे हैं आपके अभ्यास। पंजों से तलवों को मिला लिया, एडी पंजे मिले हुए, और प्रयत्न करते हैं कि घुटने जमीन पर टिक जाएं। यह हो गया भद्रासन। क्या हुआ बोलिए? भद्रासन। जिनसे ये ना होता हो तो पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई करके ऐसे घुटनों को और हिप जॉइंट को रिलैक्स कर लेते हैं, तो फिर खुल जाते हैं तो हो जाता है। कोई भी आसन करते हैं दंडासन में बैठ के करते हैं। भद्रासन के बाद अब वज्रासन में एड़िया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे बैठ जाते हैं। ये वज्रासन हुआ। क्या नाम है इसका बोलो? जोर से बोलिए, वज्रासन। यहां हमारे विद्यार्थियों और युवकों से लेकर के, हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों से लेकर के, पुलिस,
प्रशासन और हर वर्ग के हर समूह के भाई बहन हैं। एक बार सबसे पहले बच्चों का अभिनंदन हो जाए जो 3 बजे उठ करके आए। हमारे यहाँ बहुत ही होनहार प्रज्ञावान मेधावी विद्यार्थी और आप सब, आपने से एक तरफ आपके सामने नींद थी और दूसरी तरफ आपके सामने जीवन को सौभाग्य देने वाला विषय योग, स्वास्थ्य देने वाला विषय योग, सफलता देने वाला जो ज्ञान है योग, उसको आपने चुना है। अब देखिए वज्रासन में तो ऐसे बैठते दोनों हाथ घुटनों पर सीधे रख करके, अब इसमें पीछे झुकते हैं तो हो जाता है उष्ट्रासन। दोनों हाथ ऐसे कमर पर लगे हुए, पंजे खड़े करके रखे पहले और थोड़ा पीछे झुके, अर्ध उष्ट्रासन, थोड़ा सा झुकी और कमर को ऊपर की ओर उतारे। ये कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। हाथों से ऊपर धक्का देते हैं, आप ऐसे धक्का दीजिए जैसे भी आपसे बन पाए कीजिए, थोड़ा पीछे झुकी और फिर जिनसे संभव हो पाएगा वे पूरा करेंगे, जिनसे संभव नहीं हो पाएगा वे ये अर्ध ही कर लेंगे। जो पूरा हो सके तो एक एक हाथ को ऐसे एड़ी पर रखेंगे, गर्दन को पीछे तान देंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, उष्ट्रासन। बैठ जाइए आराम से। दोनों हाथ घुटनों पर, अब दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे, शशकासन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, हथेलियां कोरियां माथा जमीन पर टिकाएंगे। मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, दोनों हाथ ऊपर, पेट की, पीठ की मांसपेशियों को अच्छा बनाता है, बॉडी का बैलेंस होता है। दोनों हाथ घुटनों पर आ गए, आगे झुकते हैं। झुकने की हमारी संस्कृति है, पेड़ों पर फल लगते हैं तो झुक जाते हैं। हम झुकें, धरती माता को प्रणाम करें, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अपनी पावनी परंपरा में हम श्रद्धावनत होते हैं, धरती माता, माता पिता और बड़ों के चरणों में झुकते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब पैरों को थोड़ा खोल लीजिए और पैरों को ऐसे खोल करके दोनों हाथों को अब ऊपर उठाइए, उत्तान मंडूक आसन करेंगे। ऐसे ऊपर उठा करके अब दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पीछे से छुएंगे, बाएं हाथ से दाहिने कंधे को ऐसे छुए, और ऊपर हाथ कान से लगे हुए हो, पूरा खींचे पीछे, दोनों हाथों को उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। अब पैरों को सामने खोल, अब बहुत सहज आसन है, पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, वक्र आसन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे सभी, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए उसको ऐसे जमीन पर टिका के रखेंगे, इतना भी टिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी की पूरी हथेली टिक जाए तो और अच्छी बात है, अथवा घुटने के पास से ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे घूम जाएं, दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखें।
फिर दूसरी ओर से पैर सीधा, बाया पैर मोड़ लिया, अब दाहिना हाथ क्रॉस करके डालेंगे। आप पंजे के बराबर में हथेली रख सकते हैं और क्रॉस करके घुटने को भी पकड़ सकते हैं, दोनों तरह से किया जाता है, जितना जिससे बन पाए। आप ऐसे छू के रखिए बस जमीन पर हाथ को, ऐसे बाएं कंधे से ऐसे देखना प्लीज। पैर सीधे कर दें। अब सब मेरे साथ उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेटेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, इसको मकरासन कहते हैं। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर। थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, दो चार श्वास लंबे लेते हैं, छोड़ते हैं, सहज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सीधे लेट करके शवासन, उल्टे लेट करके मकरासन, विश्राम के आसन होते हैं। अब आपको पीठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दो अभ्यास बताते हैं। ये मिनिमम प्रैक्टिस है, थोड़ी जमीन पर भुजंगासन, दोनों हाथ की हथेलियां छाती के दोनों साइड में टिकी हुई, कोहनिया पार्श्व भागों से छूती हुई, रिब केज को टच करती हुई, पंजे पीछे की ओर पूरे तने हुए, खड़े करके नहीं रखेंगे पंजों को, लिटा करके रखेंगे, पंजे पीछे खींच के रखेंगे, पीछे से पंजे एड़ियां मिली हुई, सांस अंदर भरते हुए सामने से उठेंगे, नाभि तक उठाना है, पूरा नहीं उठाना, थोड़ा सा बेंड किए हुए कोहनियों, नीचे आ जाते हैं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन, एक स्पाइनल कोड के लिए सर्वाइकोस्पलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, शाटिका, कमर में दर्द, बहुत तरह की समस्याएं हैं स्पाइनल कोड की, उन सब के लिए बहुत अच्छा है करोल रज्जु, मेरुदंड के लिए। थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे से एक साथ उठाएंगे, और जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक और बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ, वो एक एक पैर को ही उठाना, जो कमजोर है वो एक एक पैर को उठाएंगे पीछे से, और जो स्वस्थ है दोनों पैरों को ऐसे उठा दें, शलभासन। एक एक पैर से भी उठा सकते हैं और दोनों पैरों से भी उठा सकते हैं। और अब सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके सबसे पहले हम करेंगे कंधरासन, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटनों से और बीच से उठा दीजिए, बीच से पूरा उठा देंगे, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचिए, इससे नाभि धरण पीछोटी अपने आप ठीक हो जाती, गुजराती में पीछोटी खिसकी गई आम के, अने उधर उत्तर भारत में बोलते धरण डिग गई, अंग्रेजी में बोले तो जो हमारा सोलर प्लेक्सस है उसका बैलेंस बिगड़ गया, हिंदी संस्कृत में नाभि चक्र का संतुलन। फिर नीचे ले आएंगे, पैर सीधे, दोनों पैर मिले हुए, उत्तान पादासन, पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री पर, रोक करके रखेंगे, फिर नीचे ले आएंगे, 15-20 सेकंड से लेकर के ऐसे आधा मिनट तक रोक सकते हैं। अब अर्धहलासन, पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को ऊपर उठाइए, उठाइए 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 30 डिग्री पर, और फिर 90 डिग्री पर सीधे पैर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ये इतना भी अभ्यास कर लेते हैं तो पेट अच्छा होता है। फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए सब। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, पवन मुक्तासन,
दोनों हाथ की अंगुलियों को ढलोक कर लेंगे, घुटनों को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे और सिर उठा करके नासिका लगाएंगे घुटने से। पंजे नीचे की ओर दबा करके रखें, पैर सीधे। अब आपको थोड़ी देर शवासन कराते हैं, पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हाथों के थैले को ऊपर की ओर, सहज हो जाएंगे। यह आपको अभी कुछ बेसिक पोस्चर्स से परिचित करवाया। योग के प्रोटोकॉल में सूक्ष्म व्यायाम और आसनों के रूप में इनका समावेश किया गया है। प्राणायाम तो आपको पहले ही करवा दिया है, अब आपको कुछ अतिरिक्त योगाभ्यास बताते हैं। सबसे पहले मरकट आसन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास बता रहे हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर खोल लीजिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर खोले हुए, दोनों पैर मुड़े हुए, घुटने पंजे पास में, दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन घुमाएंगे। ये मरकट आसन बहुत जबरदस्त है। जिनको भी कमर में दर्द हो, वे भुजंगासन, सर्वासन, ये मरकट आसन और अर्ध पवन मुक्त आसन, सिर नहीं उठाना, इतना ही कर लेना तो ही कमर दर्द अच्छा बीच में आ जाएंगे वापस। फिर दूसरी ओर से घुटने पंजे पास में, बाईं तरफ पैरों को झुकाएं, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं, विपरीत दिशा में गर्दन। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास। तीन अभ्यास हैं इसके, तीन पोजेज हैं मरकट आसन के, मंकी पोज इसको बोलते हैं। दोनों पैर बीच में आ गए। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे। एक दिन में योगाभ्यास से परिचय ही हो पाता है, इसलिए हमने पूरा 4 दिन का समय आपके लिए रखा है। आपको पूरा योगी बनाना है। घुटने पंजों में फासला, अब बाईं तरफ पैरों को झुकाएंगे, बाया घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना पंजे के ऊपर। मरकट आसन का ये दूसरा अभ्यास, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर चला जाता है जब घुटनों में फासला दूरी अंतर रखते हुए इस अभ्यास को करते हैं। गर्दन विपरीत दिशा में पूरी घूम जाती है, ऊपर से नीचे तक पूरे मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो जाता है। ये अभ्यास हुआ मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अब पैर सीधे, पूरा निरोगी बनाना है आपको, योगी बनाना है आपको, सत्कर्मों में सहयोगी और इस राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना है आपको। पैर सीधे, दाहिना पैर उठाएंगे सभी, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, और अब इस दाहिने पैर को लेफ्ट साइड में लेकर के जाइए, लेफ्ट साइड में ले जाइए। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइए ऐसे, गर्दन को दाहिनी ओर घुमा दिए। फिर पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर नीचे ले आइए, फिर बाएं पैर को उठाएंगे। आज बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, एक्टर एक्ट्रेस हों, फिजिकल फिटनेस के बारे में जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं उनको मरकट आसन का पता है। पैर ऊपर उठाए पूरा 90 डिग्री पर, अब इस पैर को लेफ्ट लेग को राइट हैंड के पास लेकर के आइए। जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, सब कर रहे हैं इसको, क्योंकि कमर के लिए बहुत जरूरी है ये। पैर ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के आ जाइए। आपको ये बहुत जरूरी अभ्यास करवाया कमर के लिए। फिर दोनों हाथ जंघाओं के पास में नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, इससे भी कमर में दर्द अच्छा हो जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। एक एक पैर को भी उठाने से कमर रिलैक्स हो जाती है, और एक एक पैर से ऐसे पवन मुक्त आसन, घुटने को मोड़ा, छाती से लगा दिया, फिर दूसरे पैर को मोड़ा, घुटने को छाती से लगा दिया, सिर नहीं उठाते हैं, फिर दोनों पैरों को मोड़िए और घुटनों को छाती से लगा दीजिए। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए, कमर का अभ्यास पूरा हुआ। अब आपको
बहुत जरूरी अभ्यास बताते हैं पेट के लिए। एक तो पवन मुक्तासन फिर से कर लीजिए। पेट के लिए 5 आसन बहुत जरूरी हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं। आपको पैकेज दे रहे हैं पेट के लिए, और ये पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया और घुटनों के ऊपर से पकड़ करके घुटनों को दबा दिया और छाती से लगा दिया। सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं। कमर में दर्द हो तो सिर ना उठाना। ये पवन मुक्तासन। पैर सीधे, फिर उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला करके उठा करके 30 डिग्री पर रोक करके रख देते हैं। ये पेट के लिए, नाभि के लिए, धरण के लिए, गैस कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट एकदम अच्छा हो जाता है, इससे स्वस्थ हो जाता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। अब नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा देंगे, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, पैर भी उठेंगे, सिर भी उठेगा, दोनों तरफ से उठाइए। दोनों तरफ से उठाइए और फिर नीचे आ जाते हैं। और कंधरासन, जो आपको पहले भी कराया था, ये 5 आसन लेट करके कमर के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे। बीच से उठाइए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। कंधरासन, सेतुबंधासन, बीच से उठाइए, श्वास बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। ये पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। नाभि धरण डिगी भी अपने आप ठीक हो जाती है, पीछोटी की जो खिसकी होती है अपने आप ठीक हो जाती है। अब 5वां आसन थोड़ा कठिन है। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, पंजे से पकड़ लेंगे, पैर को खींचेंगे थोड़ा, खींच करके और पैर के अंगूठे को नासिका से लगाते हैं। थोड़ा कठिन है। पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, फिर छोड़ दीजिए। फिर दूसरी ओर से दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, पैर को खींचेंगे और खींच करके नासिका लगाएंगे घुटने अंगूठे से। पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, फिर दोनों पैरों से एक साथ। थोड़ा कठिन होगा, बच्चों के लिए तो बहुत सरल है। पैरों को तलवों से मिला लिया और खींच करके पैर के अंगूठे से नासिका को लगाना। पैर सीधे, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। ये आपको पेट और पेनक्रियास के लिए जरूरी अभ्यास बताए। वैसे पहले दिन मैं ही आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। पेट के लिए और पेनक्रियास के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास है। ऐसे तो 5 अभ्यास में बैठ करके भी, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, ये मंडूक आसन तो सभी अवश्य करें। जरा देखिए, सभी अंगूठा अंदर ले ले, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं और आगे छाती घुटनों से लगा दे, गर्दन सीधी रखें। फिर वापस आ जाए, रुका करे लगभग आधा मिनट तक नीचे। इसका दूसरा अभ्यास है, बाएं हाथ की थीली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं और पेट पूरा अंदर दबा देते हैं। आगे झुक करके कोशिश करते हैं छाती घुटनों से लग जाए। फिर वापस